हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेकअप लुक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जिन लोगों को ये नहीं पता होता है कि मेकअप में सबसे पहले हम क्या यूज करें, मेकअप कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या प्रोडक्ट लें, तो आपकी सारी जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर होने वाली है। मैंने ये मेकअप लुक स्टेप बाय स्टेप करके आपको सारी डिटेल से बताया है, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, फुल वॉच करें। और ये मेकअप लुक आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, बहुत सारा प्यार और सपोर्ट देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हमें अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना होता है। चाहे आप फेस वॉश से कर सकते हो या फिर किसी भी क्लींजर का यूज कर सकते हो। तो मैंने अच्छे से फेस वॉश कर लिया था, मैंने अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लिया था। तो क्लीन करने के बाद हम लगाते हैं अपने फेस के ऊपर टोनर, जो हमारे जो पीएच बैलेंस को अच्छे से मेंटेन किए हुए रखता है। अच्छे से हमारे फेस के ऊपर आपको टोनर अप्लाई करना है। अगर आपके पास टोनर नहीं है और टोनर सूट नहीं करता है तो आप रोज वाटर का यूज करिए। रोज वाटर बहुत ही अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, काफ़ी ज़्यादा हमारी स्किन को हाइड्रेट किए हुए रखता है एंड पीएच बैलेंस को अच्छे से मेंटेन किए हुए रखता है। तो आप रोज वाटर का यूज कर सकते हो। तो टोनर यूज करने के बाद हमें क्या करना होता है, अपने फेस के ऊपर मॉइस्चराइजर अप्लाई करना होता है। तो मॉइस्चराइजर के लिए मैंने यहाँ पर लिया है पॉन्स का सुपर लाइट जेल क्रीम, जो बहुत ही अच्छी लाइट जेल क्रीम है। अगर आपकी ऑयली स्किन है, समर है, समर में सभी के पसीने की प्रॉब्लम होती है कहीं ना कहीं, तो आपको जेल बेस क्रीम ही यूज करनी है। बट आपको मॉइस्चराइजर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जैसे कि स्किन केयर में होता है CTM क्लींजिंग टोनर मॉइस्चराइजर, तो आपको ये चीज़ ज़रूर अप्लाई करनी है अपने फेस के ऊपर, तभी आप मेकअप कर पाओगे, तभी आपका जो स्किन है ना वो अच्छे से यानी कि हार्मफुल चीज़ों से बच पाएगी। तो ये चीज़ें हमें फॉलो करनी होती है। तो अच्छे से मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया एंड इसके बाद हमें लगाना होता है यहाँ पर प्राइमर। तो आप किसी भी ब्रांड का प्राइमर ले सकते हो। मैंने यहाँ मार्स का प्राइमर यूज कर रही हूँ। प्राइमर हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज करता है, हमारे बेस को लॉन्ग लास्ट रखता है। तो हमें प्राइमर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। प्राइमर लगाने के बाद ही हमें मेकअप की स्टार्टिंग करनी है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कलर करेक्शन करते हैं। कलर करेक्शन के लिए आप कोई भी कलर करेक्शन, किसी भी ब्रांड का कलर करेक्शन आप ले सकते हो। तो मैं यूज करूँ यहाँ पर मार्स का ये कंसीलर पैलेट, जिसके अंदर हमें 6 सेट कलर करेक्शन के मिलते हैं एंड 6 सेट हमें कंसीलर के मिलते हैं, जो हर एक स्किन टाइप के अनुसार सारे जो इसमें कलर करेक्टर दिए गए हैं वो आपके हर अलग अलग स्किन प्रॉब्लम के लिए अलग अलग यूज किया जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे येलो कलर करेक्शन कर रही हूँ क्योंकि मेरे हल्के दाग धब्बे हैं। अगर आपके ज़्यादा गहरे स्पॉट है तो और ज़्यादा गहरे पिगमेंटेशन है तो आपको क्या करना है, ऑरेंज कलर दिया है ना वो यूज करना है। जैसे कि हमारे माउथ के आसपास हमारा एक तो मेकअप निकल जाता है और यहाँ से हमारा बेस ना ग्रे होने लग जाता है थोड़ी देर बाद में। जैसे कि हम कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करते हैं अगर वो ऑक्सीडाइज होता है ना तो यहीं से ग्रे दिखने लगता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेकअप करने से पहले आपको कलर करेक्शन करना ही है अंडर माउथ के आसपास, तो वहाँ से आपका बेस बिल्कुल भी ग्रे नहीं होएगा। तो हमें कलर करेक्शन करना थोड़ा जरूरी ही होता है। जैसे कि जिनकी स्किन पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है ना तो उनको तो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो अगर आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन है, कुछ भी आपकी स्किन के ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आपकी स्किन के ऊपर कुछ भी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है तो उसको कवर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो देख सकते हैं मेरी स्किन यहाँ पर इवन हो चुकी है। तो जैसे कि पहले आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत मेरी आईज के ऊपर भी थोड़ा जो डार्क सर्कल थे वो थे, तो अब अच्छे से मैंने हाइड कर लिया है कंसीलर की हेल्प से। एंड अब इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर मेबलिन फिटमी का ये 128 जो मेरा सेट नंबर है, जो ऑलमोस्ट सभी गर्ल्स का ये फेवरेट होता ही है और सभी के पास मिलता है, मिल जाएगा शायद, तो मिल ही जाता है ऑलमोस्ट। तो इसको मैं डॉट डॉट करके अप्लाई कर रही हूँ। ये मेरा ख़त्म होने वाला है बट ख़त्म नहीं हो रहा है। इसको मैंने ख़त्म करते करते बहुत बार इससे मेकअप कर भी लिया है तो ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ वैसे तो। तो इसे मैं डॉट डॉट करके अपने फेस में अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। आपको जब भी कोई फाउंडेशन अप्लाई करूँ तो उसको डॉट डॉट करके ही अपने फेस नेक पे अप्लाई करना है जिससे इवन लग सके आपके फेस के ऊपर। और ब्रश की हेल्प से बहुत ही स्मूथली अच्छे से ब्लेंड करना है, बहुत ही प्यार से ब्लेंड करना है। आपको ऐसे रगड़ रगड़ के ब्लेंड नहीं करना है, नहीं तो आपका फाउंडेशन वैसे भी निकल जाने वाला है। बट आपको ब्लेंडिंग बहुत ही अच्छे से करनी है, इवन करनी है। कहीं पर आपको ऐसा नहीं होना है कि कहीं पर ये क्रीज लाइन रह जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो आपका मेकअप बेस
काला पड़ सकता है और केकी लग सकता है। तो आपको बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग करना है, और ज़्यादा ब्लेंड तो करना भी नहीं है, ओवर ब्लेंड नहीं करना है यानी कि। तो अच्छे से अपने नेक के ऊपर, अपने ईयर के ऊपर अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, ताकि हर हमारी जो स्किन जो दिख रही है ऊपर, वो पूरी अच्छे से इवन दिखाई दे। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, देख सकते हो। और जो मेबलिन फिट मी से जो बेस बनता है ना, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इससे बहुत ही अच्छा बेस बनता है। तो अब मैं बारे आती है कॉन्टूरिंग की। तो कॉन्टूरिंग के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर SFR का जो पैलेट। तो इसमें हमें कॉन्टूर, ब्राउंजर, ब्लश एंड हाइलाइटर ये सब मिल जाते हैं। ये ट्रेवल फ्रेंडली है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है। तो आप इसे यूज कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। तो ये पाउडर फॉर्म में ही है, तो आप इसे लगा सकते हो, बहुत ही आसानी से ब्लेंड कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल भी जैसे कि आपको कॉन्टूरिंग करना नहीं आता या ब्लेंड करना नहीं आता, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ये। तो सेम पैलेट में से मैंने कॉन्टूर कर ली है, ब्लशर लगा लिया है। हाईलाइटर के लिए मैंने मार्स का ये हाईलाइटर पैलेट लिया है, देख सकते हो। इसमें हमें 6 शेड मिलते हैं हाईलाइटिंग के लिए, जो हर स्किन टोन से मैच करते हुए हाईलाइटर बनाए गए हैं। तो अच्छे से अपने वो हाईलाइटर करने का, जहाँ पर हमारे जो हाईलाइट पॉइंट्स होते हैं ना, वहाँ पर हमें हाईलाइट करना होता है, अपने फीचर्स दिखाने होते हैं अच्छे से। तो अब इसके बाद मैं कर रही हूँ अपनी आईब्रोज को सेट, जो जैसे मेरी नेचुरल आईब्रो है उसी को मैं सेट करूँगी। सबसे पहले हमें स्पूली की हेल्प से अच्छे से कॉम कर लेना है, सेट कर लेना है। इसके बाद जो मैंने वेट एंड वाइट की आईब्रो पैलेट ली है, उसमें से मैंने ब्राउन और ब्लैक सेट दोनों को मिक्स करते हुए, जो इसके अंदर जो छोटी सी ब्रश मिले उसी की हेल्प से मैं अच्छे से लगा लूँगी। जो मेरे नेचुरल आईब्रोज है उसी को मैंने शेप दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमें अच्छे से लगा लेना है, और इसे स्पूली की हेल्प से अच्छे से मर्ज भी कर लेना है, ताकि नेचुरल दिखाई दे, ओवर दिखाई ना दे। और आपको ब्राउन सेड ही लेना है, ब्लैक सेड नहीं लेना है। ब्राउन शेड से क्या, हमारी आईब्रोज ना अच्छे से मतलब कि नेचुरल दिखाई देती है, ओवर दिखाई नहीं देती है। एंड इसके बाद मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, जिसे मैं अंडर आईज के ऊपर लगाऊंगी, और ब्रो को भी अच्छे से ठीक कर लूँगी, और अंडर आईज के नीचे भी अप्लाई करूँगी, और हाईलाइटिंग के लिए भी अप्लाई करूँगी। स्विस ब्यूटी का ये कंसीलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड आता है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी आता है, और ये भी हर किसी का फेवरेट होता है। स्विस ब्यूटी का कंसीलर ऑलमोस्ट जो जितने भी जो मेकअप लवर है ना, उनके पास मिल ही जाएगा। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा कंसीलर है। तो मैंने अच्छे से हाईलाइटिंग के लिए अच्छे से अप्लाई कर लिया है, अभी इसे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूँगी। और हाँ, आपने अभी तक तो ना तो वीडियो को लाइक किया होगा, ना ही कोई कमेंट किया होगा, तो बहुत ही प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कुछ अच्छा करने का, कुछ नया करने का, आगे बढ़ने का। तो आपके जो प्यार और सपोर्ट के साथ ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ, वरना कुछ भी नहीं हो सकता यार। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, लाइक का बटन तो दबाए दीजिए। आपका ना तो उससे कोई पैसा लगेगा, ना कोई मुझे उससे पैसे मिलने वाले हैं, तो फ्री है, बिल्कुल फ्री है। तो लाइक तो कर ही दीजिए, अगर अच्छा लगा है या बुरा लगा है तो कमेंट भी कर दीजिए, कुछ भी कमेंट तो करो यार, कुछ तो करो। कोई कमेंट नहीं करते हो आप बिल्कुल भी, तो ऐसा नहीं करना है। सो चलिए मेकअप की तरफ चलते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, और अब इसको मैं सेट कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर से। तो आपको कंसीलर लगाने के बाद उसको सेट बहुत ही जरूरी है करना, तो क्योंकि नहीं तो क्रीज लाइन बन जाएगी आपके अंडर आइज के नीचे। तो इसके बाद बारी आती है मेकअप, आई मेकअप की। आई मेकअप के लिए मैंने SFR की पैलेट ली है। तो यहाँ से मैंने सबसे पहले लाइट पिंक सेट लिया है, ठीक है, अपने बेस के लिए, आई बेस के लिए। तो अच्छे से फ्लफी ब्रश की हेल्प से हमें अच्छे से ब्लेंड कर लेना है दोनों आइज के ऊपर। तो ये छोटे छोटे मेकअप की जो स्टेप होती है ना, वो अच्छे से हमें अप्लाई करनी होती है, और बहुत ही आसान होता है मेकअप करना। आप 2-4 बार करोगे ना तो सीख ही जाओगे बहुत ही अच्छे से। तो अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने छोटा सा स्मॉल ब्रश लेके मैंने यहाँ पर डार्क सेट लिया था, जो जिसको मैं आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कर रही हूँ। आउटर कॉर्नर से स्मज करते करते मैं उसे क्रीज लाइन तक लेके आऊँगी, और अच्छे से स्मज करूँगी, ताकि एक अलग लुक आए थोड़ा सा। दोनों आईज के ऊपर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, देख सकते हैं आप। एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से आपको अच्छे से ब्लेंड करना है, कहीं पर क्रीज लाइन नहीं दिखनी चाहिए। आप जितना अच्छा स्मूथली ब्लेंड करोगे, उतना ही अच्छा आपका आई मेकअप होएगा। नेक्स्ट
सेम जो आई शेडो है उसको मैं लोअर लाइन के नीचे भी अप्लाई करूँगी। दोनों आईज के ऊपर अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया और स्मज भी कर लिया है। एंड इसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे मार्स का ये हाइलाइटर। तो मार्स के हाइलाइटर से मैंने यहाँ पे जो वाइट कलर का था ना हाइलाइटर वो यूज़ किया है, तो उसको मैं अच्छे से जो आई लीड है ना वहाँ पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। इनर कॉर्नर से लेकर आई लीड तक अच्छे से लगाना है। तो अगर आपके पास कोई सिमरी सैंड नहीं है तो आप हाइलाइटर का भी यूज कर सकते हो। और इसी से मैं बोन को आई बोन को हाईलाइट कर लिया है, इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर लूँगी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टेप के साथ मैंने आई मेकअप लुक क्रिएट किया है, देख सकते हो आप। अगर आप ये वाला आई मेकअप लुक करोगे ना तो बहुत ही आसानी से कर पाओगे और बहुत ही इजी से कर पाओगे, बहुत ही जल्दी कर लोगे। और ये वाला आई मेकअप लुक हर एक आउटफिट के साथ अच्छे से जाता है और अच्छा भी लगता है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर आई लाइनर लिया है, आई लाइनर मैंने NYV का आई लाइनर लिया है। जैसा भी आपको आई लाइनर लगाना आता है ना आप लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पतला मोटा। तो अच्छे से आप एक दो बार लगाओगे ना तो सीख ही जाओगे, अच्छे से सीख जाओगे और मेकअप करना भी सीख जाओगे। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप भी सुंदर सुंदर दिखना है, आपको भी तो बहुत सुंदर सुंदर दिखाई दोगे आप भी। तो मैंने अच्छे से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मोटा आई लाइनर लगाए, देख सकते हो। इनर कॉर्नर पर भी मैंने थोड़ा सा विंग बनाया, छोटा सा वी शेप बनाया है। तो इसके बाद मैं ले रही हूँ काजल, जो गुडवाइज का काजल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा काजल है, बहुत ही ज़्यादा स्मच प्रूफ है, लॉन्ग लास्ट है। बॉर्डर लाइन के ऊपर इसको मैं अच्छे से लगा लूँगी और एक फिर एंगल ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से स्मच कर लूँगी, जिससे ये और भी अच्छे से स्मच प्रूफ हो जाएगा, लॉन्ग लास्ट हो जाएगा और जो हमारा आई मेकअप ना और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। तो आप जब भी काजल लगाओ तो उसको थोड़ा सा स्मच भी कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा आई मेकअप लगता है। देखोगे आप अभी कि वो कितना अच्छा लगता है स्मच करने के बाद, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट अब मैं लेसेस को अच्छे से कर्ल कर लूँगी, जो कर्ल टूल्स आता है ना उससे हमें लेस को कर्ल कर लेना है। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे मस्कारा। तो मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मेबलिन का ये मस्कारा, जो बहुत ही अच्छा मस्कारा है। तो अच्छे से हमें मस्कारा अप्लाई कर लेना है। आप चाहे तो फॉल्सेस भी लगा सकते हो, अगर नहीं चाहते हो तो नहीं लगाना। तो मैंने यहाँ पे फॉल्सेस नहीं लगाई है, ओनली मस्कारा ही यूज किया है, जिससे ही मेरी लेसेस अच्छे से कर्ली हो चुकी थी। इसे अपर लेस के ऊपर इनर लेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। तो आप देख सकते हो बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। ये नहीं कि बहुत ही महंगे ब्रांड के जो प्रोडक्ट होते हैं ना उन्हीं से हम अच्छा मेकअप करें, आप बहुत ही कम जो प्राइस के प्रोडक्ट होते हैं ना उनसे आप बहुत ही अच्छा वाला मेकअप कर सकते हो। बस हमें थोड़ा सा करने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे सेटिंग स्प्रे कर लिया था, जो मैंने मार्स का ही सेटिंग स्प्रे लिया था, जिसे अच्छे से मैंने डैप डैप करते हुए अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे सिंदूर लगा रही हूँ, ड्राई सिंदूर है। तो यहाँ पे अब मैं बिंदी लगा लूँगी, यहाँ पे मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन होता है, देख सकते हैं आप। इसके बाद मैंने लिपस्टिक यूज़ की है, जो लिपस्टिक मैंने लगाई वो NYV की है। तो देख सकते हैं आप ये सारे स्टेप फॉलो करके इतना प्यारा सा सुंदर सा मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो, जिसे आप बहुत ही खूबसूरत लग जाओगे। ये मेकअप लुक आप किसी भी फेस्टिवल पर कर सकते हो, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो आप फेस्टिवल पर भी कर सकते हो। उसके बाद वेडिंग सीजन चल जाएगा तो आप वेडिंग में किसी भी पार्टी में ये वाला मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। हैवी ड्रेस पहन लो, बस ये वाला मेकअप लुक क्रिएट कर लो, बहुत ही अच्छे लगोगे और बहुत ही आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को ये मेकअप लुक पसंद आया होगा। थोड़ा बहुत पसंद लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।